बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बजट फ्रेंडली किचन। तो जी, हमेशा की तरह लेके आई हूँ आपके लिए एक बजट फ्रेंडली रेसिपी। बनाने जा रहे हैं पराठा रोल, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनते हैं और नहायत आसान है। बच्चों के लिए बनाने जा रही थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। तो इसके लिए चिकन चाहिए हमें 1 पाव, 1 पाव से ज़्यादा चिकन है मेरा, और मैंने इसके अंदर मैरिनेशन करनी है अब। और मैरिनेशन के लिए मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, तकरीबन 1-1 टेबल स्पून है दोनों का पेस्ट। और अब मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून है तकरीबन, और 1 भर के टीस्पून मैंने इसके अंदर दड़ा मिर्च डाली है, और 2 टेबल स्पून भर भर के मैंने इसके अंदर सिरका डाला है, क्योंकि मेरे पास लेमन नहीं था। अगर आपके पास लेमन हो तो आप लेमन यूज़ करें। आधी टीस्पून मैंने इसके अंदर पाउडर वाली मिर्च डाली है, और आधी टी स्पून ही मैंने इसके अंदर पाउडर वाला गरम मसाला डाला है, और आधी टी स्पून ही मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली है। इन सारी चीज़ों को डालकर हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अभी हमारा एक इंग्रेडिएंट रहता है, वो है दही। दही हम इसके अंदर डालेंगे 3 टेबल स्पून भर भर के, क्योंकि इससे भी बड़ी अच्छी मैरिनेशन होती है। जो चिकन होता है वो बड़ा जूसी बनता है, तो हम यहाँ पे दही ऐड कर रहे हैं। तो दही ऐड करके हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो रख देंगे। अब हम चलते हैं अपनी सॉस की तरफ, जो हमने इसके अंदर जो शवारमे के अंदर मोस्टली लगती है, और वही वाली सॉस हम बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने 1 पाव दही लिया है, और अब हम इसके अंदर डालेंगे मायोनीज। मायोनीज इसमें मैंने 3 टेबल स्पून डाला है, मतलब 3 टेबल स्पून ही डालें आप, भर भर के नहीं डालना, 3 टेबल स्पून डाल लें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने नमक ऐड किया है। नमक आप हसबे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें मैंने बहुत कम डाला था। मुझे हम इसमें शामिल करेंगे पाउडर वाली रेड मिर्चें, जो के जाएंगी इसके अंदर 1 टीस्पून। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 से 3 क्लोव मैंने इसके अंदर लहसुन के डाले हैं, पीस लिए थे, वो मैं इसके अंदर शामिल करूंगी, और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास पाउडर है लहसुन तो आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कूटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा शामिल किया है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारी सॉस हो गई है तैयार, और अब हम चलते हैं अपने मैरिनेट किए हुए चिकन की तरफ। तो मैंने सॉस पैन में डाल दी है 2 चम्मच घी के, और साथ ही अपनी जो मैरिनेट किया हुआ सारा चिकन था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको हल्का सा मैंने फ्राई करना है, और फ्राई करने के बाद मैंने इसको कर देना है दम। थोड़ा सा चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी, और चूल्हे को आहिस्ता करके इसके ऊपर ढक्कन दे के पकाने के लिए रख दूँगी। इनका कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है, और फिर इसको ढक्कन देके दम दे देंगे, और चिल्ले को कर देंगे आहिस्ता। चिकन हमारा पकेगा तब तक हम अपनी करते हैं डो तैयार। तो डो तैयार करने के लिए मैंने आटा लिया है, और इसके अंदर मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून है जो घी डाला है, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर नमक डाला है। और अब हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले मिक्स कर लिया था इसके अंदर घी, और ऐसे ऐसे करके पानी डालती जाऊंगी। जिस तरह सिंपली हम आटा गूंदते हैं इसको वैसे ही गूंदेंगे। घी मैंने इसके अंदर इसलिए डाला है क्योंकि जो डो बनेगी हमारी बहुत सॉफ्ट बनेगी। यहाँ पे मेरा आटा गूंद गया है, और मेरी ये जो फिल्मिंग वाला काम है आटे की, स्पेशली जो मैंने फिल्मिंग की है वो सारी मेरी बेटी ने की है, थोड़ा सा क्रेडिट उसको भी मिलना चाहिए। यहाँ पे हमने ढक्कन उतारा है और इसको चेक किया, देखें हमारे चिकन ने पाला हुआ है। इसके अंदर दही भी था, दही की वजह से भी चिकन पानी छोड़ता है, सिरका लगाने से भी चिकन पानी छोड़ता है। तो हमने दोनों चीज़ें लगाई हुई थी, चिकन ने बिल्कुल सारा पानी छोड़ दिया हुआ है। तो मैंने नीचे से अब ढक्कन उतार के तो फ्लेम फुल कर दी है अपने चूल्हे का, और अब इसको हम पकाएँगे, इसका फुल फ्लेम पर पानी खुश्क करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा चिकन बिल्कुल गल चुका हुआ, टेंडर हो चुका हुआ है, बस हमने इसका जो पानी है वो ख़त्म करना है। तो इसको तकरीबन 4-5 से 7 मिनट लगेंगे तो इसका सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून घी डाला था भर के, तो आप 2 से कम भी डालेंगे तभी ये बड़ा अच्छा
गल जाएगा, बड़ा अच्छा पक जाएगा, नीचे भी नहीं लगेगा। तो जितना कम इसमें घी यूज़ हो वो उतनी अच्छी बात है। तो यहाँ पे मेरा चिकन हो गया है रेडी, आप देख सकते हैं पानी इसका बिल्कुल सूख गया। अब इसके अंदर सिर्फ तो हमारी इधर हो गई है रेडी, तकरीबन तो इसको आधा घंटा हो गया गूंद के रखे हुए। तो अब हम इसके रोटियां तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने बेल ली है रोटी, उसके ऊपर घी लगा लिया और इसको कट लगा के इसका पेड़ा बना लेंगे। आम बिल्कुल रोटी की तरह है, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आटा भी स्प्रेड कर सकते हैं घी के ऊपर, इससे और ज़्यादा क्रिस्पी रोटी बनेगी। मैंने इधर सिर्फ सिंपली पेड़ा करके और इसकी रोटी बनाई है। और यहाँ पे हमारा तवा गर्म हो रहा है, यहाँ पे मैंने ऑयल लगाया है। जब मैंने इसके ऊपर रोटी डाली तो जो हमारी गैस थी वो मुक गई, तो फिर हमें बाहर लकड़ियों के चूल्हे पे जाना पड़ा। तो पहली रोटी तो मेरी जो थी वो गैस कम होने की वजह से, ख़त्म होने की वजह से काफ़ी मखदूश सी हालत में पकी। फिर दूसरी मैंने रोटी सही बन गई थी मेरी, और मैं हमने तीन रोटियां बनाई थी। तो आप देख सकते हैं जो दूसरी रोटी है वो बड़ी अच्छी बनी थी। ये देखें, ये मेरी दूसरी रोटी है, पहली रोटी गैस ख़त्म होने की वजह से बड़ी ख़राब बनी थी। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अपनी सॉस और बनाएंगे इसका रोल। इसके लिए मैंने एक बड़ा ऑनियन लेके उसके रिंग बना लिए थे, मैंने तो कटर के साथ काटे थे, आप हाथ से काट सकते हैं। और दो खीरे मेरे पास पड़े हुए थे हमारी अपनी सब्ज़ी में, तो वहाँ से दो छोटे छोटे से खीरे आए थे, तो मैंने काट के ये भी रख दिए इसके अंदर ताकि ये और क्रिस्पी और मज़े का रोल बने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने इसके अंदर डाल दिए और उसको रोल कर दिया है। अगर मेरे पास बटर पेपर नहीं था घर में तो मैंने इसको बटर पेपर के अंदर फोल्ड नहीं किया, जिसकी वजह से इसकी फोल्डिंग ना अच्छी नहीं हो रही थी। बटर पेपर के साथ ना वो सख्ती आ जाती है एकदम, जिससे वो रोल जो है ना वो कंट्रोल कर लेता है रोल को। तो मेरे पास नहीं थे तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बना दो, बच्चों ने फरमाइश की है तो इनको बना के आज खिला ही दो। तो ये देखें मेरे यहाँ पे रोल तैयार हो गए हैं, तीन रोल बने थे मेरे। तो जी, इंतहाई बजट फ्रेंडली और मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही कम खर्चे में जो चीज़ें घर में हैं उन्हें इस्तेमाल करके मैंने ये रोल बनाए हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।